गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज लेट हो गया, लेट से सोकर उठा 9:30 बजे, तो लेट हो गया। फोन भी बज रहा बार बार। सोकर उठा तो छोटी लोग सब स्कूल चली गई थी, तो ज़्यादा खटाली हो गया था दुकान में, इसलिए लेट से उठा और लेट भी हो गया था। कभी कभी होता है 9:30 बजे सोकर उठते हैं ना, रात में देर से सोइएगा तो देर से उठिएगा, ऐसा होता है अक्सर। तो अभी दुकान की तैयारी हो रही है, दुकान जाने की, चलेंगे दुकान, समय हो चला है। कल एक साइन में पीछे का टायर लगाना था, पल्सर का साइन एसपी था, उसी में बहुत ज़्यादा झमेला हो गया, क्योंकि उसका सस्पेंशन का हॉल भी बड़ा करना पड़ा और मतलब स्पॉकेट वगैरह सब, कपलिंग हब वगैरह सब दूसरा लगाना पड़ा हमें। एक्सल भी 22 नंबर का साइज का लगा, मोटा वाला, जिसमें 17 नंबर होता है, 19 नंबर सॉरी। यहाँ लगा हुआ मोबाइल हमारा चार्ज में, इस जगह पे किचन में तो जगह नहीं है ना, कि लाइट कट जाती तो इन्वर्टर से चार्ज होता है ना, तो लाइट सुबह सुबह कटती ही कटती है, कंफर्म कटेगी ही, तो एक वहाँ लगा देता हूँ, बड़ा वाला मोबाइल, छोटा वाला मोबाइल। रात को लेट हो जाता हूँ तो सुबह सुबह कभी कभी लेट से सो कर उठता हूँ। चलिए मैं तैयार हो गया दुकान जाने के लिए, रेडी। हीरो भी कंप्लीट हो गया और जो जो पेंडिंग गाड़ियाँ थी वो भी कंप्लीट हो गई। एक सोल्यूटो आया था हमारे पास, उसका किक लॉक हो गया, मतलब इंजन सीज हो गया था, उनके पास बजट नहीं था, कि बोले कि किसी तरह स्टार्ट कर दीजिए, वो छोड़ के चले गए, तो फ्री वगैरह करके ऑयल वगैरह डाल के वो फ्री कर दिए, वो स्टार्ट हो गया, उसका सोल्यूटो खड़ा वहाँ पर। सोल्यूटो ये बीच वाला सोल्यूटो है, इस साइड वाला फेरो कम्प्लीट हो गया, लेकर नहीं गए हैं। बाकी वो स्प्लेंडर का मैंने इंजन का काम किया था 3 महीने हो गए थे, वो स्मोकिंग कर रही थी, धुआं देने लगी थी, तो उसका फिर से खोले और भलसिल उसका डैमेज हो गया था, भलसिल और रिंग डाले उसमें, ये वाला इसका 3 महीने पहले काम हुआ था, धुआं देने लगा था 3 महीने में, फिर से काम करना पड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस यही, दिन में टाइम नहीं मिलता तो क्या ब्लॉग बनेगा। आज जाना था मार्केट लेकिन नहीं जा पाए, कुछ ऑर्डर थी, ये पेज भरा पड़ा है, पर डे जाते हैं, कभी कभी एक दो दिन बीच हो जाता है, कुछ ज़्यादा ऑर्डर रहा तो नहीं, तो लेकिन यहाँ ऑर्डर भरा हुआ है तो नहीं जा पाए, आज काम था इस कारण नहीं जा पाए, और नहीं गए तो काम भी मेरा खिंचा गया, बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो भी हिसाब किताब है दुकान का चेक करेंगे और देखेंगे क्या क्या अर्जेंट ऑर्डर है, नहीं तो फिर कल हमें तो कल जाना ही होगा। दिन में तो मैं बहुत कम ही जा पाता हूँ, ज़्यादातर रात में ही जाता हूँ, मैं दिन में नहीं जाता। ये डब्बा भी भर गया कूपन से, लास्ट तारीख को मैं कूपन स्कैन करता हूँ, आज शायद लास्ट तारीख है, आज 31 बुधवार, आज गुरुवार है, 21 मार्च है, कल लास्ट तारीख है, और परसों हम लोग का नया साल है, नव वर्ष, तो परसों थोड़ा पूजा पाठ करना होगा, चैत से ही हम लोग का नया साल स्टार्ट होता है, वो तो कैलेंडर वाला अंग्रेजी का है, वो जनवरी फरवरी स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग को तो चैत से ही स्टार्ट होता है, चैत आषाढ़ सावन भादो, हम लोग पुराने ज़माने के लोग हैं ना,
हमारा कल्चर पुराने ज़माने का, तो पुराना ज़माना ही चलाना पड़ता है, नया ज़माना नहीं चलाना पड़ता। जो मम्मी पापा वगैरह करते हैं वही सब हम लोग को चलाना पड़ता है। तो बस वही काम वगैरह, तो आज सारा दुकान वगैरह पूरा छिटा गया है सामान से, टाइम नहीं मिल पा रहे कारण, टाइम नहीं मिल पाता इस कारण वो सामान को एडजस्ट नहीं कर पाता। देख रहे ये गुच्छा चाबी पूरा भरा हुआ था इसमें, अभी खाली हो गया, अभी बचा हुआ एक दो चार यहाँ पे, मतलब कि इस रूम में चार गाड़ियाँ हैं और बाकी उस रूम का अलग चाबी है, जो गोदाम में रखा हुआ चाबी उसका अलग चाबी है। कल स्कूटी निकालेंगे, स्कूटी का काम होगा मैस्ट्रो, उसका लॉकपिट वगैरह चेंज करना है और एक्सीलेटर तार वगैरह चेंज करना है। वो भी गाड़ी खड़ी है करीब 7-8 दिन से खड़ी है, छोटी छोटी काम के लिए। हमारे अब क्लोज कस्टमर रहते हैं, वो लोग नहीं कराते दूसरी जगह काम, हमारे पास ही कराते, चाहे जितना दिन लगे हमारे पास ही कराएंगे। तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम जल्दी कर दें, लेकिन पहले से पेंडिंग गाड़ियाँ रहती है तो वो भी पेंडिंग में चली जाती है, तो पेंडिंग 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 सिर्फ पेंडिंग ही होता रहता है। ठीक है दोस्तों, घर जाने का टाइम हो गया, चलते हैं घर, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।